ऑप्शन टेक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा एक्टिवा 1G के बारे में। ये 2006 मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आज ये 15 साल बाद कैसी है और ये मैंने पुरानी खरीदी है और क्यों खरीदी है, वजह है उसकी। वीडियो को पूरा देखना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एज अ स्मॉल यूट्यूबर प्लीज़ सपोर्ट करो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना, मैं एक एक बंदे का रिप्लाई करूंगा। वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्टिवा मैंने जहाँ से लिया उनकी ऐसी पड़ी हुई थी, वो यूज़ नहीं कर रहे थे इस एक्टिवा का, तो मैंने कहा इसको मैं सही करवाता हूँ और इसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। वीडियो में एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली बात करूँ तो इसमें मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी कि इसकी जो बॉडी आप देख रहे होंगे, ये बॉडी जो है आपकी पूरी मेटल की देखने को मिलती है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। यहाँ तक कि आप पार्ट देख सकते हैं इसके, एक एक पार्ट। इसका गला नहीं है, बाकी गला इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको पेंट कर दिया स्प्रे पेंट। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इस पर स्प्रे पेंट करा था, पूरी ब्लैक स्प्रे पेंट से कर दी थी मैंने ये। और बाकी आपको एक मजबूती और दिखाऊं, इसका स्टैंड देख सकते हैं आप कितना मजबूत था। ये जब 2006 में लगा हुआ आया था तब का स्टैंड है और आप देख सकते हैं कितना मोटा लोहा है इसमें। और आज वाली एक्टिवा में ऐसी चीज़ नहीं आती। बाकी आप साइड स्टैंड देख सकते हैं, ये भी उसी टाइम का लगा हुआ है 2006 का। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें। फुट पैक्स वगैरह आप देखें। अगली बात करूँ तो इसके इंजन के बारे में बात करता हूँ। तो इंजन मेरे को इसका काफ़ी सही लगा। 100 सीसी का इसमें इंजन आया करता था और अब जो आता है 110 सीसी का आता है कम से कम एक्टिवा में, और इसमें 100 सीसी का इंजन आता था। इंजन काफ़ी सही है, मैं ये नहीं कहता कि रिफाइंड इंजन है क्योंकि 2006 में अटल है तो उसके हिसाब से रिफाइंड इंजन तो नहीं कहता, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा चलता है और लॉन्ग टाइम चलता है। मतलब ये इंजन आप लगा लो 15 साल में एक बार भी इंजन का काम नहीं हुआ इसमें, और कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इशू नहीं लगा इसके इंजन में। बस इसके जो तारे वगैरह होती हैं, केबल्स वगैरह, वो चेंज करी हैं, जैसे कि ये ब्रेक केबल हो गई या फिर मीटर केबल हो गई, ये सब चेंज करा है और कोई खर्चा नहीं आया इसमें। बाकी माइलेज की बात करूँ तो इसकी माइलेज आज भी 35 से 40 के बीच में देती है ये, और लोडिंग वगैरह जैसे सामान वगैरह लाना हो तो उसके लिए तो काफ़ी सही है। बाकी आपको मैं इसका साइलेंसर दिखाता हूँ। इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं, ये भी ओरिजिनल है, 2006 का लगा हुआ जो आया था, इसमें मैंने स्प्रे पेंट करके इसको सही कर दिया। बाकी स्टिकर्स वगैरह सब ओरिजिनल है और कोई भी पार्ट इसमें चेंज नहीं करा गया, और आप कंडीशन देख ही सकते हैं इसकी। और टायर की बात करूँ तो इसमें जो टायर लगा हुआ है वो 2006 का ही लगा हुआ है, पुराना टायर लगा हुआ है, और कंडीशन काफ़ी सही है टायर की। और अगला टायर जैसे कि आपको पता होगा कि इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इसमें MRF का टायर लगा हुआ है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं MRF का टायर है, और ये ट्यूब वाला टायर आया करता था और आज भी इसमें ट्यूब डली हुई है और काफ़ी सही रिस्पॉन्स कर रहा है, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। और किलोमीटर कितनी चली हुई है आप देख सकते हैं, 40,588 किलोमीटर ये चल गई है 15 साल में। और बाकी आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ और इसकी नॉइज़ सुनाता हूँ कैसे इंजन की नॉइज़ आज भी। सेल्फ मारता हूँ, आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल आराम से स्टार्ट हुई है, कोई इशू नहीं लगा, पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गई। मैं आपको इस बार एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ इसका एक बार। काफ़ी सही है इंजन। जैसे कि आपने देखा इसका इंजन बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है इंजन में, और सफ़ेद धुआं वगैरह कुछ भी नहीं कर रही और काफ़ी सही चल रही है आज भी। 2006 मॉडल के हिसाब से मैं ये कहूँगा एक्टिवा बहुत अच्छी थी। अगर आपको ये सेकेंड हैंड मिलती है तो आप, जैसे किसी को सीखना है एक्टिवा वगैरह चलाना तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको मिलती है, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी अच्छा हुआ करता था। मैं ये नहीं कहता आज भी इंजन बेकार आ रहे हैं, लेकिन आज के इंजन भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये पुराने के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंजन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 15 साल में इसमें कोई इशू नहीं आया इंजन के मामले में। और ये एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है जैसे मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसके इंडिकेटर वगैरह भी सब कुछ चल रहे हैं। आपको हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुनाता हूँ इसके, जैसे कि आपने सुना, और इंडिकेटर दिखाता हूँ आपको। बाकी सही है बिल्कुल, और इसमें बस ये कलर फेड हो गया क्योंकि ये सनलाइट में पड़ी रही थी, धूप वगैरह में पड़ी रही है, उसकी वजह से इसका कलर फेड हो गया। आपको इससे ही पता लग गया होगा कि कितना पुराना है और आज भी मतलब मजबूत है। ये नहीं है कि मैं ये टूटा पड़ा है, बिल्कुल सही है, वो कम आवाज़ करती है आज भी, रोड पर चलती है तो खड़खड़ आवाज़ इतनी नहीं आती इसमें। बाकी आप देखना चाहते हैं इसकी स्प्रे पेंट की वीडियो और मैंने कैसे इसको, क्या बुरी हालत हुई पड़ी थी इसकी और मैंने इस पर स्प्रे पेंट करवाया है, खुद ही कराया मैंने, तो आप, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का जिसमें मैंने इस पर स्प्रे पेंट करा है, 2 बोतल लगी थी, और कैसे कराया आप वो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कंडीशन कितनी सही पेंट करा है मैंने इसमें, यहाँ से भी मैंने ये सारा पेंट करा है, वो काफ़ी सही पेंट होता है, और ये स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें मैंने पेंट करी है। बाकी यहाँ से थोड़ा सा
डेंट आ रखा है, कोई इशू नहीं है इतना, और स्प्रे पेंट कराया मैंने अच्छे से। आप ये पार्ट देख सकते हैं, इस वीडियो में यही था। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी कि 15 साल में एक्टिव आज भी कैसी है और कोई इशू नहीं दे रही, और चलाने में आराम से चल जाती है, 50-60 तक आराम से चलाओगे आप तब भी कोई इशू नहीं देती। बाकी मैं तो ये कहूँगा इतनी पुरानी होने के बाद आप इतनी तेज ना चलाएं, 30-40 मैक्सिमम रखें, क्योंकि लोकल में ही चलानी होती है। यही था इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।